हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये हम चर्चा आपके साथ जो कर रहे हैं ये रोज की ही तरह दैनिक राशिफल को लेकर के है, और इसके साथ साथ आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे। पंचांग और दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 1 अप्रैल सन 2022 दिन शुक्रवार संवत 2078 का है। हिंदी का महीना चैत्र का है, पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है, तिथि अमावस्या, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, योग ब्रह्म और करण नाग, राशि मीन। चंद्रमा का पूरे दिन मीन राशि में संचार होता रहेगा। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार है, प्रातः 10:58 से लेकर दोपहर 12:31 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ अवधि है ये 12:07 से लेकर दोपहर 12:55 तक। तो आप अभिजीत मुहूर्त की जो समय अवधि हमने बताई है उस समय अवधि के अंतर्गत आप अपने शुभ कार्य निसंकोच संपन्न करें। देखिए, गंडमूल जो है वो प्रातः 10:40 से आरंभ हो जाएंगे आज। तो ये थी जानकारी जो हमने आपको अभी दी है पंचांग से संबंधित। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आपसे दैनिक राशिफल के विषय में, और ये दैनिक राशिफल जैसा कि हम हमेशा बोलते ही हैं कि ये ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर आधारित है ये। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। देखिए, मुमकिन है कि आपको किसी शरीर के अपने किसी भी हिस्से में कोई दर्द या तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर आज लाभ दिला सकता है। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करते हैं तो ऐसे कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ में रहते हैं। अपने प्रिय की बातों के प्रति आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रहने वाले हैं आज, और आपको अपने जज्बातों पर भी काबू रखना चाहिए आज के दिन, और ऐसा कुछ करने से बचें जो कि मामले को और अधिक बिगाड़ दे, ऐसी चीजों से दूर रहें। कार्य में अपने मन लगाएं और जज्बाती बातों से भी बचें। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे आज जो आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं या मदद की गुहार लगाते हैं। उपाय आपने करना है, खाने में शहद का प्रयोग करें, ऐसा करने से पारिवारिक जीवन आपका सुखद होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 1, शुभ रंग आपके लिए है स्लेटी। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, देखिए आज कुछ अवांछित विचार दिमाग में आपके आ सकते हैं, छा सकते हैं आपके दिमाग पर, कुछ गलत विचार जिसे कहना चाहिए। स्वयं को शारीरिक व्यायाम का मजा लेना चाहिए आपको, यहां पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको एंजॉय करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का भी घर होता है ऐसा भी कहा जाता है। आज का दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बहुत उत्तम है जिनकी कीमत आगे चलकर के और अधिक बढ़ सकती है। दोस्तों के साथ शाम को कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आप, इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। काम में पेशेवर रवैया आपको एप्रिसिएशन दिलवाएगा। आज अगर कोई किसी चीज से संबंधित कानूनी सलाह आप चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए उपयुक्त है आपके लिए। आप वकील के पास, लॉयर के पास जाकर के कानूनी सलाह ले सकते हैं। उपाय आपने करना है, काले सफेद तिल और सतनाज, 7 प्रकार का अनाज किसी धार्मिक स्थान में जाकर के दान करें, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 6 और शुभ रंग आपके लिए है आज केसरी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, देखिए एक तो अगर कोई समस्या है शारीरिक या कुछ तकलीफ है, बीमार हैं, तो एक तो अपना स्वयं का इलाज ना करें, ये काम ना करें। हालांकि इस बात की अधिक संभावना बन रही है
कि मेडिसिंस पर आप कुछ ज़्यादा डिपेंड रह सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है जिसको देख करके ऐसा कहा जा सकता है। अचानक कुछ नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति हो सकती है आज के दिन वैसे आपको, और जो आपके दिन को खुशनुमा बना सकते हैं। अपने परिवार की भलाई के लिए आपको अधिक परिश्रम करना चाहिए और अपने कार्यों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना भी जरूर होनी चाहिए, ना कि लालच का जहर। आपकी आंखों में आज के दिन काफी चमक रहेगी, धड़कनें आपकी थोड़ा तेज रहेंगी। आज जब आप अपनी सपनों की राजकुमारी से मिलेंगे उस समय जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से ना लेने की स्थिति में भी तनाव हो सकता है। कोई आध्यात्मिक आपके कोई गुरु या कोई बड़े आपके कोई बुजुर्ग आज आपकी कुछ मदद, अगर आपको उनसे मदद की जरूरत है तो उनसे आपको मदद मिल सकती है। उपाय: आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए रात में चूल्हे की आग को दूध से बुझाएं। जो चाहे गैस है, आपका गैस का चूल्हा है या कैसा भी चूल्हा है, उसको आप दूध के छींटे से बुझा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी। शुभ अंक आपके लिए आज 4 और शुभ रंग आपके लिए आज नीला। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। देखिए साथियों, धार्मिक भावनाओं के चलते हुए आप किसी आज तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं, निकल सकते हैं, और किसी संत से कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त भी करने की आपकी इच्छा बनी रहेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना लें, विशेष तौर पर जो आर्थिक सौदे हैं उनके मोलभाव करते समय। मित्र मददगार और सहयोगी बने रहेंगे आपके लिए आज के दिन, और आपकी आकर्षक छवि आपको काफी अच्छे परिणाम देगी। छोटे छोटे मामलों को लेकर हुए आपके आपसी झगड़े आज आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी कटुता को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि दूसरों के कहने में या दूसरों के बहकावे में आकर के कोई भी निर्णय ना लें, कोई कार्य ना करें। ऐसा उपाय आप करें, सफेद संगमरमरी पत्थर पर सफेद चंदन लगा करके जल प्रवाहित करने से पारिवारिक जीवन आपका उन्नतशील होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 8, शुभ रंग आपके लिए है आज पीला। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। देखिए साथियों, मुमकिन यह है कि आज के दिन आपका जो हेल्थ है पूरी तरह उसमें एक तरीके से फिट ना रहे, कुछ ना कुछ कमी रहे, बनी रहे, इस प्रकार की संभावना अधिक है। और अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की अगर आपकी प्लानिंग है और आप करने जा रहे हैं, तो अनुमान के आधार पर खाली एक जस्ट कहते हैं ना कि भाई एक थोड़ा सा अनुमान लगा लिया, गैस कर लिया, थोड़ा आइडिया के आधार पर पैसे लगाने का जो इन्वेस्टमेंट इस ये जो मेथड है इसको एडॉप्ट ना करें। अनुमान के आधार पर आकलन जिसको कहते हैं, उसके लिए फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आपके अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी थोड़ा सा आपका वाद विवाद कहा सुनी होने से मूड खराब हो सकता है, लेकिन अपना आप पेशेंस बनाए रखें, इससे सिर्फ आग और भड़कती है अगर आप अपना पेशेंस लूज करेंगे तो। अगर आप सहयोग ना करें तो कोई आपसे नहीं झगड़ेगा। सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। दलाल जो भी एजेंट्स हैं या जो व्यवसायी हैं उनके लिए दिन आज का काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें मांग में इजाफे से फायदा होगा। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया कोई प्रकार का संदेह, डाउट आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर उसका बुरा प्रभाव डाल सकता है। सुनी सुनाई बातों पर आंखें मूंद करके भी यकीन नहीं करना है आपने। उन बातों की पूरी जब तक सच्चाई या उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल ना कर लें, यकीन ना करें, अन्यथा आपको बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है व्यक्तिगत रूप से। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घर में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। शुभ अंक आपके लिए है 1 और शुभ रंग आपके लिए है गुलाबी। कन्या राशि यानी कि वृगो साइन। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा हुआ दिन नहीं रह पाएगा, और आप छोटी छोटी बातों पर भी थोड़ा सा झुंझलाहट आपकी निकल करके बाहर आएगी।
शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर खाना, किसी रेस्टोरेंट आदि में खाना खाने, या थोड़ा मनोरंजन के लिहाज से कोई मूवी आदि देखना, ये आपको काफ़ी रिफ्रेश करेगा और खुश मिजाज भी बना करके रखेगा। जिसे आप चाहते हैं उसके साथ आपका थोड़ा सा तल्ख रवैया आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आपका दिमाग कामकाज की उलझनों में आज फंसा रहेगा पूरी तरह, जिसके चलते आप परिवार और अपने दोस्तों के लिए समय नहीं दे पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ये कह सकते हैं। आज लोग आपकी वह प्रशंसा करने वाले हैं जिसे आप हमेशा से उनके मुंह से सुनना चाहते थे। उपाय आप क्या करें, नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए नीम या जड़ी बूटी, जिसको हम मेडिसिनल सोप भी कहते हैं, ऐसे साबुन से नहाने का, आपको उस वाले साबुन जो होता है मेडिसिनल सोप, उसका यूज करना चाहिए अपने नहाने में, प्रयोग करें उसका। शुभ अंक आपके लिए आज एक और शुभ रंग आपके लिए आज भूरा। तुला राशि यानी लिब्रा साइन, अपने जीवन को चिर स्थायी ना माने, ये बिल्कुल ना ऐसा विचार मन में ना लाएं, और जीवन के प्रति सजगता को अपनाएं। अटके हुए मामले और घने होंगे, यानी कि जो अटके हुए पड़े वो और ज्यादा मतलब एक तरीके से पर फंसेंगे, खर्चे भी अधिक होंगे, जो कि आप के थोड़ा दिमागी तौर पर भी ये आपके लिए थोड़ा सा तनाव पैदा कर सकते हैं। और आपकी जो माता हैं उनकी बीमारी का भी वजह से आपको दिमागी परेशानी रह सकती है, टेंशन, और मर्ज का असर करने के लिए उनका ध्यान बीमारी से हटाएं आप, कोशिश ये रहे आपकी, किसी दूसरी ओर उनका ध्यान लगाने की कोशिश करें। आपकी ये कोशिश कारगर साबित होगी अगर आपने ऐसा किया तो। और आज के दिन आपको काफ़ी एक तरीके से प्रसिद्धि मिलेगी, शोहरत मिलेगी, और आप आसानी से अपोजिट सेक्स के लोगों की ओर आकर्षित भी होंगे और उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे भी। लेकिन काम में आपको मन लगाना चाहिए अपने, और जज्बाती बातों से दूर रहना चाहिए। उपाय आप करें, सफेद कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा पहनने, और अगर ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है आज दो, और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज ग्रे। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपका जो दिल और दिमाग है पूरी तरह ओपन रहेगा, और जहां तक घरेलू सुख सुविधाओं की चीजों का सवाल है उन पर आप कुछ अधिक खर्चा ना करें। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आप अपने घर मेहमानों को बुला सकते हैं, उनकी आओ भगत कर सकते हैं, मेहमान नवाजी कर सकते हैं, लेकिन सावधान इस बात से रहना है कि आज के दिन अगर आप प्यार में पड़ते हैं तो यह आपके लिए थोड़ी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। और आज के दिन कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए अपने जीवन साथी पर भी दबाव ना बनाए, किसी भी कार्य के लिए, अन्यथा आपके लिए थोड़ा सा आज वाद विवाद वाली स्थिति पैदा हो सकती है। और अपनी बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित करेगी। उपाय क्या करें, चटाई का प्रयोग सोने के लिए करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो मैट होती है, मैट चटाई, वो आप जमीन में बिछा करके उस पर आप सोएं। शुभ अंक आपके लिए है पांच आज, शुभ रंग आपके लिए मैरून। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, देखिए साथियों, आपके लिए हमारा ये सुझाव है कि अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉफ़ी का, तो ये आप जितना जल्द से जल्द छोड़ सकें उतना अच्छा है, क्योंकि कॉफ़ी किसी भी लिहाज से हेल्थ के लिए लाभकारी नहीं होती, ये हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, और विशेष तौर पर दिल के मरीज तो बिल्कुल ही इसको ना छुएं। आज निवेश के जो नए अवसर हैं वो आपकी ओर आ सकते हैं, मतलब आप को ऐसे अवसर आ सकते हैं आपके सामने, लेकिन उन पर भी आपको ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके अपना धन का निवेश करें, उन पर आप पहले विचार करें, उनको एनालाइज करें, और
और धन भी अपना तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति स्टडी कर लें। ऐसे दोस्तों के पास जाएं जिन्हें आपकी जरूरत है। रोमांटिक मनोभावों में अचानक आया हुआ बदलाव आपको काफी परेशान कर सकता है और आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध भी आज बन सकता है, रह सकता है, इसकी संभावना अधिक है। जहां तक संभव हो बात को बिल्कुल भी आगे ना बढ़ने दें जिससे तनाव पैदा हो। यात्रा और शिक्षा से जुड़े हुए कार्य आपकी जागरूकता में काफी वृद्धि करेंगे। उपाय आप कर सकते हैं अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए, एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा बिना धोए ना पहने। शुभ अंक आपके लिए है 5, शुभ रंग आपके लिए है आसमानी। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन साइन, देखिए बहमी किस्म का जो स्वभाव होता है उसके चलते आपको आज हार का मुंह देखना पड़ सकता है। शक्की स्वभाव नहीं होना चाहिए। खर्च करने के समय पर खुद आगे बढ़ने से बचना है ताकि अधिक खर्च ना हो जाए आपके हाथों से, वरना तो आप खाली जेबी वापस घर पहुंचेंगे। बच्चों को रोमांचक समाचार आज मिल सकता है कोई ना कोई, जो उनकी खुशी को कई गुना अधिक बढ़ा दे। जो आपके सहकर्मी हैं, साथ में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका भी सहयोग से आप मुश्किल दौर से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। यानी कुछ काम का प्रेशर अगर ज़्यादा ही अधिक था तो उनके सहयोग से वो चीज़ें सारी, आपकी टेंशन रिलीज हो जाएगी। अगर कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो वह आखिरी वक्त पर आप उस योजना में रद्दोबदल कर सकते हैं, आपके द्वारा हो सकता है रद्दोबदल। उपाय करें आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए, उन्नति के लिए बहुत ही शुद्ध उपाय है। शुभ अंक आपके लिए है आज 3 और शुभ रंग आपके लिए है आज संतरी। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, तो साथियों आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, और आपका जीवन साथी आप पूरे दिल और दिमाग से आपकी साथ रहेगा, सहयोग करेगा, आपको सहायता देगा और आपके लिए काफी मददगार भी साबित होगा। अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल आपको नहीं होगा, बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपनी सच्चे जज्बातों से भी परिचित जरूर कराना चाहिए। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर इस गलत प्रभाव डाल सकता है, बुरा प्रभाव डाल सकता है। उपाय आपने करना है, प्रेमी या प्रेमिका को लाल या नारंगी रंग का कोई भी वस्तु आप गिफ्ट करें। ऐसा करने से आपका जो लव लाइफ है वो बेटर होगा। शुभ अंक आपके लिए है 7 और शुभ रंग आपके लिए आज हरा। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, साथियों आपका सबसे बड़ा सपना आज रियलिटी में बदल सकता है, वास्तविकता में। लेकिन अपने उत्साह को भी आपने दूसरों के सामने उसका प्रदर्शन नहीं करना, उसको शो नहीं करना, क्योंकि ज्यादा खुशी भी कई दफा परेशानी का कारण बन जाती है स्वयं के लिए, अपने लिए। और आज सिर्फ बैठने की बजाय कुछ ऐसा करें जो आपकी कमाई में भी वृद्धि कर सके। घरेलू मसले आपके दिल और दिमाग पर छाए रहने वाले हैं और आपकी ठीक तरह से काम करने की जो क्षमता है उसको भी थोड़ा बहुत इफेक्ट उस पर भी पड़ने वाला है। आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़ों को सुलझाने, जो पहले से कुछ ऐसे पेंडिंग मामले हैं उनको आप जल्दी से सुलझाने की कोशिश करें। और अगर आपने ये सॉल्व नहीं किए तो अगर फिर इसमें हो सकती है देर, उसके बाद फिर ये जो है लंबा खींच सकता है और ये फिर आपके लिए परेशानी ही पैदा करेगा। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके ऐसे जितने भी मसले हैं, जितने झगड़े झंझट हैं, उनको जल्दी सॉल्यूशन निकालें ताकि आगे आने वाले वक्त में आपको पछताना ना पड़े ऐसी चीजों के लिए। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की नियमित पूजा करें, आर्थिक स्थिति के लिए ये बहुत ही शुभ उपाय है आपके लिए, मीन राशि के जो लोग हैं। शुभ अंक आपके लिए है 8, शुभ रंग आपके लिए है सफेद आज।
तो प्रिय साथियों, ये था 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। और हमने इस राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, अब समय आ गया है कि हम आप सभी से इजाजत लें और अपनी वाणी पर भी यहाँ पर विराम लगाएं। तो साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।